अस्सलाम वालेकुम। जो समझता है कि बाबर आजम की क्यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का फेंटा लगा देगा वो इस वीडियो को लाइक करेगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से काफी ज्यादा या फिर बाबर आजम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है वो इस वीडियो को लाइक करेगा। और कमेंट्स में मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा विकेट और सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट्स में उस खिलाड़ी का नेम जरूर लिखना है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच आप कैसे लाइव देख सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कैसे देख सकते हैं, उसके वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मुकम्मल आपको पता चल जाएगा जो कि पहला टी20 मैच खेला जाना है आप बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी ज्यादा तब्दीलियां होंगी क्योंकि पिछली सीरीज की बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेली थी। अब उस मैच को और इस मैच से मिलाते हैं जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच खेला जाना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी ज्यादा तब्दीलियां होने जा रही है। सराय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी ज्यादा तब्दीलियां की जाएगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वैसे ही काफी ज्यादा तब्दीलियां हो चुकी है क्योंकि इसी टीम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल नहीं किया उमर अकमल और ना ही अहमद शहजाद है, ना ही मलिक साहब को रखा गया। वैसे मलिक साहब शामिल नहीं थे ना ही हफीज साहब थे, लेकिन उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले टी20 मैच के प्लेइंग 11 में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर भी चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स में भी आपको काफी ज्यादा तब्दीलियां तो नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ एक तब्दीली आपको हो सकता है मोहम्मद हसनैन की जगह पर आपको मोहम्मद इरफान की वापसी देखने को मिल जाए। कन्फर्म ऐसे चांसेस हैं हसनैन की जगह पर मोहम्मद इरफान को ट्राई किया जाएगा। जबकि बात करते हैं बाबर रियाज भी होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग का हिस्सा, आमिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग का हिस्सा होंगे। अगर हम बैट्समैनों की बात करते हैं तो हारिस वेल को मौका मिल जाएगा, बाबर आजम और फखर जमान आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए जाएंगे, जबकि नंबर 3 पे हारिस वेल, नंबर 4 पे रिजवान, खुशदिल शाह के काफी ज्यादा चांसेस है कि उनको मौका मिल जाएगा। अगर खुशदिल शाह को ना खिलाया गया तो उनकी जगह पर आसिफ अली को मौका मिलेगा, लेकिन जरा यही बताते हैं कि पिच को देखकर ही फैसला किया जाएगा। लेकिन ताजा तरीन इतलात हमारे पास जो सामने आ रही है या उनके मुताबिक खुशदिल शाह से डेब्यू करवाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सिर्फ यही कन्फ्यूजन है इस एक तब्दीली के, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की रहने वाली है जिस तरह का मैंने आप लोग को बताया। ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई दिया जाएंगे बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर फखर जमान, उसके बाद इमामुल हक के कोई भी चांसेस नहीं है कि उनको मौका मिले। जबकि इसके अलावा बात करते हैं अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स मोहम्मद मूसा की, तो उनको भी मौका नहीं मिलेगा पहले टी20 मैच की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11। इस सवाले से आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। अगर आपने लाइव वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको भी देखिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।